बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक इज मर्करी बैरोमीटर। बैर बार प्रेशर को कहते हैं, बैरोमीटर ये प्रेशर मेजर करता है। मर्करी बैरोमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट्स अ सिंपल डिवाइस, एक टब होता है जिसमें मर्करी फिल्ड होता है और उसमें आप एक 1 मीटर इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, वैक्यूएटेड जिसमें वैक्यूम होता है यानी कुछ नहीं होता, वो आप इन्वर्टेड उल्टा करके रख देते। व्हाट हैपेंस, जो इधर मर्करी है उसके ऊपर एयर प्रेशर लगा रही, जबकि ट्यूब के अंदर वैक्यूम होने की वजह से कोई प्रेशर नहीं, तो एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो मर्करी राइज करेगा ट्यूब में। जो जो मर्करी राइज करेगा और मर्करी जो आएगा, जो पहले मर्करी एंटर हो चुका है, राइज हो चुका है, वो अपने वेट से उस पर प्रेशर डालेगा। लेकिन मर्करी यहाँ राइज होता जाएगा, क्यों राइज हो रहा है? इट विल मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। एक वक्त आएगा मर्करी एक लेवल पे रुक जाएगा, और वो पता कहाँ रुकेगा? जब इस मर्करी का प्रेशर इस बाहर वाली एयर के प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। अब कोई हाई और लो नहीं, यहां रुक जाएगा। मीन्स इस सिचुएशन पर अगर हमने इस लिक्विड का प्रेशर मेजर कर लिया ना, तो हमने एटमोस्फेयर प्रेशर मेजर कर लिया। अब लिक्विड का प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला रो जी एच होता है। तो एच कहां से कहां लेना, जो बोथ एमसीक्यूज में आया, वो एच आपने इस लेवल से, ये जो टर्म में लेवल है यहां तक लें। ये जो एच की वैल्यू है ये ऑलमोस्ट 76 सेंटीमीटर होती। इसको अगर प्रेशर को हम पास्कल में कन्वर्ट करना चाहें तो हम फॉर्मूला लगाएं रो जी एच। तो मर्करी की जो डेंसिटी होती है 13600, जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू, इस फॉर्मूले में एक इंपॉर्टेंट बात कि एच हमेशा मीटर में रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत से बच्चों से गलती होगी, रोजी एच जहां भी लगाते हैं एच शुड ऑलवेज बी इन मीटर्स, नो अदर यूनिट। इफ यू सोल्व इट तो आपकी वैल्यू 102,000 यानी राउंड ऑफ करके इट विल बी 1.010^5 पास्कल, जो कि एटमोस्फेयर प्रेशर। तो ये एटमोस्फेयर प्रेशर जो नॉर्मल लेवल के लिए होती है, ये एच की वैल्यू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी हमें बताता है कि ये एच की वैल्यू 76 सेंटीमीटर होती है, और पास्कल में कन्वर्ट करना चाहें तो रोजी एच लगाएं। सो हम इसे सेंटीमीटर में भी बता सकते हैं, मींस जब हम बताते हैं ना इतने सेंटीमीटर, तो हम एच की वैल्यू दे रहे हैं, तो रो जी की वैल्यू मर्करी के लिए हमें पता ही है, जी की वैल्यू 10, तो हम उसे पास्कल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो प्रेशर को हम सेंटीमीटर में भी बता सकते हैं। ये 76 सेंटीमीटर, अगर आप पहाड़ पे किसी हाई अल्टीट्यूड पे जाएं तो ये वैल्यू 74-70 कम हो सकती है, राइट? जो जो हम हाई लेवल पे जाएं, जो जो हम सी लेवल के पास जाएंगे, ये इंक्रीज होगी, ये एवरेज वैल्यू, राइट? ओके स्टूडेंट्स, अगर मर्करी बैरोमीटर बनाते वक्त इफ यू कुड सी दिस एग्जांपल, हमारे पास मर्करी टब है, हम उसमें एक नैरो, एक वाइडर, एक टिल्टी और एक वेबी सी टेढ़ी मेढ़ी सी ट्यूब रखते हैं, लेकिन कंडीशन है कि उनके ऊपर वैक्यूम होना चाहिए। तो वन थिंग यू सी, जो लेवल ऑफ मर्करी राइज करेगा वो सब में सेम करेगा। वैसे मर्करी लेवल थोड़ा सा राउंड होता है, कभी थर्मोमीटर में भी देखें इसका मेनिस्कस, तो यहां मैंने स्ट्रेट बनाया वैसे, लेकिन वन थिंग यू विल सी कि वो लेवल सब में सेम होगा। यानी ये जो एच होता है ये वर्टिकल हाइट है, तो चाहे टिल्टेड हो चाहे विथ कोई भी हो, कम हो ज्यादा, यहां वैक्यूम हुए, द एच विल बी सेम फॉर ऑल। अब क्वेश्चन है ये जो एच जिसे हम कह रहे हैं ऑन द एवरेज 76 सेंटीमीटर, कैसे मेजर करेंगे? एटीपी में क्वेश्चन आता है, तो पैरेलेक्स एरर और इस तरह की दूसरी एरर से बचाने के लिए हम एक मीटर रूलर को बिल्कुल साथ रख दे ट्यूब के, पैरेलेक्स एरर नहीं आएगी, और यहां बेस पे टिका दें, टिकाने से ये होगा हिलेगा नहीं, ठीक है, स्टेबल, आराम से रीडिंग ले सकते हैं। तो लेट से अब रूलर से हमें ये 76 कैसे पता चलेगा कि लेट से यहां जीरो है मीटर रूलर का,
और जहां ये लेवल खत्म हो रहा है यहां रीडिंग शो कर रहा है 11 सेंटीमीटर, तो वी वुड सी कि यहां जो रीडिंग अपर मेनिस्कस से लेंगे वो 87 आ रही है, तो वी कैन सब्ट्रैक्ट इट, तो देन वी कैन इजीली से ये 76 है, और पास्कल में कन्वर्ट करना तो अभी हमने देखा है रो जी एच फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, राइट? ओके स्टूडेंट्स, पास्ट पेपर में इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आए, उनमें से इट इज आस्क यहां पर प्रेशर कितना होगा, ये जो खाली जगह, तो प्रेशर कहां से डाला जाता है? ऊपर से, तो यहां तो कुछ है ही नहीं, इस पॉइंट पर भी इवन इसके ऊपर कुछ नहीं जो प्रेशर डाल रहा है, सो प्रेशर एट दिस पॉइंट इज जीरो, उसे पास्कल में लिख दें वट एवर यूनिट। अगर यहां पूछा जाए ना इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो कितना है, तो बेटा इस पॉइंट पर जो प्रेशर डाल रहा है वो लीकर डाल रहा है जो इस पॉइंट से ऊपर है। जैसे मैं एक एग्जांपल दी थी ना कि आपके छोटे भाई बहन या कजन है, एक साइड पे बैठा है और एक आपके ऊपर बैठा है, तो आप पे जो प्रेशर डालेगा वो कौन होगा, साइड पे या जो आपके ऊपर है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है। सो बेटा यहां पर जो प्रेशर है ना वो इतना लीकर डाल रहा है, यानी वी वुड से यहां जो प्रेशर है दैट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। डीकोड का नाम लेते हैं साथ, लेकिन अगर इस प्रेशर को पास्कल में बताना है तो क्या लगाएंगे, रोजी एच, एच मीटर में रखनी, राइट? आप सेंटीमीटर में भी बता सकते हैं। सिमिलरली जहां रूलर की रीडिंग आ रही है 50, अगर इट इज आस्क इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है, तो देखिए 50 से ऊपर लिक्विड कितना है, 36 सेंटीमीटर, तो वी वुड से कि इट इज प्रेशर 36 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। लिक्विड का नाम लेना है, ये सेंटीमीटर में बता रहे हैं, अगर वो पास्कल में पूछे तो हम रोजी एच एच मीटर में रखकर ये एच होगा, तो हम पास्कल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन ये आएंगे। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, मैं क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लास में ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं, वो क्वेश्चन का आंसर कोई जीनियस बच्चा ही दे सकता है जिसने पहले नहीं किया। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम यू हैव टू टेल मी द रीडिंग, रीडिंग बतानी है रूलर की, वेयर प्रेशर इज 40 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी बिलो एटमोस्फेरिक प्रेशर, राइट? ओके स्टूडेंट्स, एक और पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज, ये एक बैरोमीटर है, ये जो एच हम लेते हैं लेवल टू लेवल लेते हैं, इसमें एच पास्कल में रिप्रेजेंट कर रहे 100,000 प्रेशर को, 100,000 पास्कल को, राइट? तो इस सरफेस से एक पॉइंट है जिसकी हाइट एच ओवर 5 है, यही एच डिवाइडेड बाय 5, 1/5 ऑफ एच, उस पॉइंट जिसकी हाइट 1/5 ऑफ एच है, यहां पर प्रेशर कितना होगा पास्कल में बताना। एक दूसरा क्वेश्चन है, मरकरी यूज करें, मरकरी एक्सपेंसिव भी होता है पॉइजनस भी होता है, हम वाटर क्यों नहीं यूज कर लेते यहां पर? तो बेटा वाटर की डेंसिटी मरकरी के मुकाबले में बहुत कम है, यानी हल्का है। तो जैसे आप देखते हैं ना किसी बाजार में शॉपकीपर से फ्रूट लेते हैं तो 2 kg का वेट आप देखेंगे, इतने से साइज का होगा, लेकिन 2 kg एप्पल ज्यादा, यानी जो चीज लेस डेंस है वो ज्यादा स्पेस कवर करती है। दैट इज वाई अगर हम वाटर यूज करें, वाटर तो चीपर है लेकिन उसके लिए फिर ट्यूब, बहुत ज्यादा वाटर अमाउंट रिक्वायर्ड होगी सेम प्रेशर के लिए, तो बहुत बड़ी ट्यूब यूज हो जो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी, मरकरी से भी बहुत। और दूसरी बात, अगर हम वाटर यूज कर भी लें तो हमें यहां वैक्यूम चाहिए, तो वाटर ना अगर हम यहां लेंगे तो वाटर एवेपोरेट होता है, उसके वेपर्स यहां जमा होते रहेंगे, वाटर में एयर वो भी यहां जमा होती रहेगी, और वो वाटर और उसके वेपर्स और एयर खुद, क्योंकि गैस है एयर है, तो वो प्रेशर डालकर लेवल को नीचे लाते रहेंगे, जू जू इकट्ठे होते रहेंगे, तो वाटर लेवल एक जगह स्टे नहीं करेगा और वो कभी सही प्रेशर नहीं बताएगा। इसलिए वी कैन नॉट यूज वाटर इन मरकरी बैरोमीटर। मरकरी यूज करने का फायदा यह है कि बहुत बस 1 meter ट्यूब रिक्वायर्ड, अदरवाइज बहुत बड़ी ट्यूब रिक्वायर्ड होगी कोई और लिक्विड यूज करेंगे। जी बेटा, नेक्स्ट हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज मैनोमीटर। मैनोमीटर इज अ डिवाइस विच कैन मेजर डिफरेंस इन प्रेशर ऑफ टू फ्लूइड्स, वो गैसेस भी हो सकते हैं लिक्विड भी, लेकिन क्योंकि आपको ऑर्डिनरी लेवल ओ लेवल में पढ़ रहे हैं तो वो डिफरेंस इन बिटवीन प्रेशर ऑफ गैसेस बताया जाता है, इट इज नॉट नेसेसरी।
ये लिक्विड्स के प्रेशर में भी जो सा डिफरेंस बता सकते हैं। ये बेसिकली सिंपल एक यू शेप ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब, और इसमें कोई भी लिक्विड यूज कर सकते हैं। ये हिस्सा जो लिक्विड का, ये लिक्विड से फिल हुआ होता है, ठीक है, और वो लिक्विड कोई भी हो सकता है। लेकिन फिर वही बात, अगर मर्करी यूज करेंगे तो ट्यूब छोटी रिक्वायर्ड होगी, राइट। तो यूजली जो भी लिक्विड होगा उसका लेवल सेम होगा, लेकिन जब हम कोई गैसेस अटैच करेंगे यहां पर, लाइक अच्छा जब हम दो डिफरेंट गैसेस, लेट्स से एक गैस ए एक गैस बी, इसके दोनों एंड से अटैच कर दें, तो तब ना ये लेवल सेम नहीं रहेगा, एक तरफ लेवल नीचे आएगा। लेट्स से इस एंड पर लेवल 10 सेंटीमीटर नीचे आया, तो जितना यहां नीचे आए उतना ही दूसरा ऊपर हो जाएगा। तो अब जो लेवल में डिफरेंस आ जाएगा, 10 और 10 मिलकर 20 हो जाएगा। अब लेवल्स में जो डिफरेंस है, यहां से ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। उस डिफरेंस इन लेवल को हम एज से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये डिफरेंस इन लेवल क्या बताता है? पहली बात तो देखिए, किस गैस का प्रेशर ज्यादा है। जिस तरफ लिक्विड नीचे हो गया ना, जैसे जो बैलेंस में जो साइड नीचे हो जाती है उस तरफ का वेट ज्यादा होता है। तो यहां जहां लिक्विड नीचे हो गया इधर का प्रेशर ज्यादा है, और जहां ऊपर हो गया उसका प्रेशर कम है। लेकिन अब उसे वर्ड्स में कैसे कहेंगे? हम वर्ड्स में इस तरह लिखेंगे कि प्रेशर ऑफ गैस बी इज 20 सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड लार्जर देन प्रेशर ऑफ ए। ये इस तरह हम इसको वर्ड्स में कहेंगे कि जितना लेवल में डिफरेंस है इतने सेंटीमीटर। अच्छा, इसको पास्कल में बताना चाहते हैं तो हम रो जी एच लिख दें, एच मीटर में। वो कैसे, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? कि वी विल से प्रेशर ऑफ गैस पी इज माइनस, ये डिफरेंस बताता है इन प्रेशर, प्रेशर नहीं बताता, डिफरेंस इन प्रेशर बताता है, एक का प्रेशर दूसरे से कितना एक्सेसिव है ज्यादा, इज इक्वल टू रो जी एच। रो उस लिक्विड की डेंसिटी होगी, एच जो यहां 20 सेंटीमीटर, इस फॉर्मूले में मीटर्स में पुट करेंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला विच वी यूज इन मर्करी मैनोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, मैनोमीटर बनाते वक्त अगर हम यही दो गैसेस, सेम गैसेस और जो लिक्विड यूज किया है वही डिफरेंट किस्म की ट्यूब में यूज करें, यानी ट्यूब बहुत थिक हो जाए, मोटी हो जाए, या ऐसी अजीब गरीब हो जाए, एक तरह से नैरो एक तरह से थिकर है, वाइडर है, तो आप देखेंगे तब भी एच की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते कि गैसेस और लिक्विड सेम होना चाहिए। इसलिए ट्यूब की शेप, ट्यूब की जो थिकनेस है वो कोई अजीबो गरीब सी भी हो, तो एच की वैल्यू इज नॉट गोइंग टू चेंज, राइट। अच्छा बेटा, लेकिन अगर हम लिक्विड चेंज कर दें तो देन इट विल हैव इम्पैक्ट, कि अगर हम लिक्विड चेंज कर दें तो हर मटेरियल एक लिक्विड की दूसरे से, हर मटेरियल की दूसरे से डेंसिटी डिफरेंट होती। तो अगर हम लिक्विड चेंज करेंगे तो चेंज करने के बाद याद रखें, अगर हमारी डेंसिटी कम लिक्विड वाला, डेंसिटी वाला लिक्विड यूज करेंगे, डेंसिटी कम हो गई पहले से, तो एच की वैल्यू पहले से ज्यादा हो जाएगी। अगर डेंसिटी पहले से ज्यादा होगी तो एच की वैल्यू पहले से कम हो जाएगी। एग्जैक्ट कितनी होगी वो फाइंड करने के लिए हम एक फॉर्मूला, ये बुक से नहीं मिलेगा आप, ठीक है, पास पेपर में यूज हो जाता है, और ये फॉर्मूला है रो वन एच वन इज इक्वल टू रो टू एच टू। हाउ टू अप्लाई एंड यूज दिस फॉर्मूला, कि लेट्स से पहले लिक्विड की डेंसिटी ये है रो वन, और उसकी जो डेप्थ है, लेवल्स बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन लेवल इज एच वन, तो दूसरे की डेंसिटी आपको पता है और आपने फाइंड करना उसकी एच कितनी होगी, तो एच टू आप बाकी तीनों की वैल्यूज रखकर एच टू फाइंड कर लेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्योंकि दोनों तरफ एच की वैल्यू है तो सेंटीमीटर और मीटर की टेंशन नहीं लेंगे, कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखेंगे कि यहां एच मीटर में तो यहां भी एच मीटर में हो, यहां सेंटीमीटर में तो यहां भी सेंटीमीटर में, राइट। यानी कि अगर सेंटीमीटर में रखें तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस। हाँ, रोज ही एच में जब एच रखते हैं तो वो सिर्फ मीटर्स में रखते हैं।